नमस्कार, दिव्य आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काम कला काली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। काली के बहुत से स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में काम कला काली का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह परिवार को जोड़ने का काम करती है। यह अपना प्रभाव, ये जो मंत्र है काम कला काली का, जो मंत्र है ये संबंधों पर असर डालती है, संबंधों को सुधारने का कार्य करती है और भी बहुत ही तीव्र गति से, यानी अचूक तरीके से संबंधों पर इसका प्रभाव होता है। चाहे वो पति पत्नी के संबंध हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका के संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो या माँ बेटी का संबंध हो, किसी भी तरीके का अगर संबंध है तो इन संबंधों की अधिष्ठात्री देवी कामकला काली मानी जाती हैं। कामकला काली का असर इन संबंधों पर बहुत ही अचूक ढंग से होता है, बहुत ही अचूक तरीके से होता है। इसलिए पूरी दुनिया में कामकला काली के मंत्रों का उपयोग किया जा रहा है संबंधों को सुधारने के लिए। आज इसी विषय पर जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से संबंध होते हैं और कौन कौन से संबंधों को किस तरीके से इस मंत्र के द्वारा हम नुकसान होने से बचाएं और संबंधों को सही गति दें, संबंधों को सही दिशा दें, अपनी समस्याओं का निवारण कैसे करें, आदि इस बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, काम कला काली के सिद्ध मंत्र का अभ्यास कैसे करें आइए देखते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काम कला मंत्र प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंत्र का प्रयोग प्रेम प्रणय के क्षेत्र में क्यों किया जाता है। दो लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का आधार प्रेम ही होता है, यानी संबंधों का आधार ही प्रेम होता है। प्रेम चाहे पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो या भाई बहन का हो, पिता पुत्र का हो या माँ बेटी का हो, संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है। यहाँ तक कि पारिवारिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामाजिक संबंध, ये संबंध भी हमारी बहुत सी जरूरतों को पूरा करते हैं। जब भी कभी इन संबंधों में अड़चने या रुकावटें आती हैं तभी अनेकों समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पति पत्नी में अनबन होने लगती है, तलाक होने तक की नौबत आ जाती है, प्रेमी प्रेमिका में अनबन होने की वजह से दोनों अलग रहने लगते हैं या कोई एक पार्टनर साथ छोड़ देता है, शारीरिक कमजोरी बढ़नी शुरू हो जाती है, यौन दुर्बलता आनी शुरू हो जाती है, शादी विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होने लगती हैं, मनपसंद वर या वधू की प्राप्ति होती है, परिवार में होने वाले विवाद शांत होने लगते हैं, भाइयों और दोस्तों के बीच का विवाद समाप्त होने लगता है, व्यापारिक संबंध बढ़ने लगते हैं, इससे कि लाभ मिलना शुरू हो जाता है, आर्थिक समस्याएं नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं, चेहरे पर चमक पड़नी शुरू हो जाती है, आकर्षण शक्ति प्रबल होने लगती है। अब जानते हैं इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी काले आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते, इसलिए भी किसी कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और जितनी देर तक हो सके रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, फिर अपने मणिपुर चक्र में, यानी हार्ट के नीचे व नाभि चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए काम कला मंत्र ओम ह्रीम क्रीम काम कला कालिके क्रीम स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीम क्रीम काम कला कालिके क्रीम स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र का जप करें, जप उपांशु जप में करें। उपांशु जप का अर्थ है धीमी आवाज में जाप करना, तथा इस जाप को 20 मिनट तक रोज करें। इस मंत्र को किसी भी माला से या बिना माला के भी जप कर सकते हैं। 21 दिन तक नियमित रूप से मंत्र जपना है और 22वें दिन किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें। कुंवारी कन्या को भोजन व कपड़े दान देने से लाभ कई गुना ज्यादा मिलता है। याद रखें, पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में दान करें।
याद रखें यह 21 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी शुक्ल प्रतिपदा, रवि नक्षत्र, ग्रहण, दिवाली, नवरात्रि या किसी भी मंगलवार से या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृह सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास नियमित करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए डरे नहीं क्योंकि ये आपके अंदर की खराबियों को दूर करती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र को सूर्यास्त के बाद जप करें तो लाभ ज्यादा मिलता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में कर सकते हैं। विवाहित व्यक्ति हफ्ते में 1 बार संबंध स्थापित कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है, वो इसका अभ्यास कैसे करें, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाली साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं और वह आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।